वेलकम फ्रेंड्स मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इसका नेचर क्या है आज हम डिस्कस करेंगे सो so, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नेचर कैसा है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बट बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक्स यू यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिससे कि आपको ऐसी ही और वीडियोज़ मिलती रहें सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो इंटरनेशनल रिलेशन्स अगर आप देखेंगे तो ये एक डायनेमिक uh, सब्जेक्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और अभी तक ये वेल well डिफाइंड नहीं है बिकॉज uh, एक कंट्री दो कंट्रीज़ के बीच में जो इंट्रैक्शन हैं वो कैसे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे इसको इफेक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशन पर कंट्रीज कैसे इंट्रैक्ट करती हैं यू का क्या रोल है एन ऑल दोज नेसेसरी थिंगस कम अंडर इंटरनेशनल रिलेशन सो दैट्स वाई इसका नेचर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है इतना वेल डिफाइंड नहीं है सो so, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टाइप की लाइन है uh, मैं चाहूँगा कि आप उसको जानें। दैट इज़ नेशंस एज एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में जो नेशंस हैं दे आर द एक्टर एंड नेशनल इंटरेस्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में जो कंट्रीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है जो पाना चाहते हैं दैट इज़ उनका नेशनल इंटरेस्ट एंड इज द कंडीशन जो इंटरनेशनल रिलेशन आप जानते होंगे कि ये कंडीशन भी है और एक डिसिप्लिन भी है डिसिप्लिन का मतलब है दैट इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड कंडीशन का मतलब है कि एक सिचुएशन है जो वर्ल्ड एरेना uh, में प्रेजेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड में है बहुत सारी कंट्रीज का जो इंट्रैक्शन है वो कंडीशन क्रिएट करता है कंडीशन हारमोनीयस भी हो सकती है और कंडीशन जो है वो हारमोनियस के साथ साथ ट्रबलसम भी हो सकती है सो कॉन्फ्लिक्ट एज द कंडीशन एंड पावर एज द मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पावर है ये एक मीन्स है जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो और ज़्यादा पावर गेन करें वो इलेक्ट वो उनकी इकोनॉमिक पावर हो सकती है वो उनकी मिलिट्री पावर हो सकती है वो उनके कल्चरल सॉफ्ट पावर हो सकती है मतलब कंट्रीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि मतलब अपनी पावर को इन्हेंस करें बिकॉज जो पावर है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो एक मीन्स है एक कंट्री जितनी पावरफुल होगी वो उतनी ही ज़्यादा ईज़िली uh, जो चाहती है वो कर वो कर पाएगी और दूसरी कंट्रीज से वो करवा पाएगी सो पावर एज़ द मीन्स और ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ मीन्स है पावर एंड भी है कई कंट्री अपने अल्टीमेट गोल को पाने के लिए पावर चाहती हैं क्योंकि उनके पास पावर हो और कई कंट्रीज़ का अल्टीमेट गोल ही पावर होता है कई कंट्रीज़ जो हैं वो इकनॉमिक रिलेशन्स अपनी बढ़ाती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ और अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाती हैं जिससे कि वो एक पावर जो उनका एंड है उसको अचीव कर सकें और तो ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस यही है उसका उसका नेचर नेशंस एज एक्टर नेशनल इंटरेस्ट एज द ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एज द कंडीशन एंड पावर एज द मीन्स एज एन एज एंड टूगेदर सम द पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस सो नेशंस के बीच में जो तो पॉलिटिक्स है वो यही है और जो मॉर्गेन्थाओं हैं अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिख रहे हैं उसका मीनिंग नेचर एंड स्कोप लिख रहे हैं सो जो मॉर्गेन थाओं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मॉर्गेन्थाउ कहते हैं दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर वॉट एवर मे बी द अल्टीमेट एम इट्स इमीडिएट एम इज ऑलवेज पावर इंटरनेशनल रिलेशन इज अ स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग नेशंस एंड इट हैज़ सेवन मेन वेरिएबल्स ऐसा वो बताते हैं मॉर्गन थाउ सो मॉर्गन थाउ के अकॉर्डिंग जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये स्ट्रगल फॉर पावर है तो उसका जो तो नेचर है वो काफ़ी पैसमिस्टिक हुआ यहाँ पर कंट्रीज़ का अल्टीमेट एम कुछ भी हो पर उनका जो इमीडिएट एम है सारी कंट्रीज़ पावर चाहती हैं सो मॉर्गिथो के अकॉर्डिंग जो आ, पहला वेरिएबल है दैट इज़ अबाउट नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दैट इज़ नेशंस एज द प्राइमरी एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पता होगा कि सिर्फ नेशंस ही नहीं हैं यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आई जी ओज़ हैं यहाँ पर एन जी ओज हैं यहाँ पर मल्टी नेशनल कॉपोशन एमंसीज हैं सो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो कंट्रीज़ हैं दे आर द प्राइमरी एक्टर्स ये भी डिफाइन करता है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को दूसरा है दैट नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और तीसरा है दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यह भी आप जान गए हैं कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वाइडली प्रेवलेंट है कॉपरेशन आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा बट uh, अभी जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड चल रहा है यहाँ पर आपको कॉपरेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो uh, फोर्थ है दैट इज़ द पावर इज द मीन्स जितनी भी कंट्रीज हैं वो पावर का कर इस्तेमाल करती हैं टू अटेन दियर अल्टीमेट गोल पावर जो है वो एक साधन है और जो फिफ्थ है दैट इज पावर इज बोथ अ मीन्स एज एन एंड पावर सिर्फ वही नहीं है जिससे आप अपनी बाकी चीज़ों को पा सकें आप बाकी चीज करते भी इसीलिए जिससे कि आप और पावर पा सकें सो पावर जो है वो मीन्स भी है और वो एंड भी है एंड द दिक्स पॉइंट इज दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमॉन्ग नेशन सो इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर में ये भी आता है दैट इट इज़ फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यू का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ जिससे कि वो कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कर सकें सो इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन भी आता है एंड द सेवंथ इज़ दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन अमंग नेशन यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन इसका नेचर काफ़ी इंट्रेक्टिव भी है बिकॉज यहाँ पर कंट्रीज़ uh, का जो इंट्रैक्शन है वो कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होता रहता है बिटवीन द कंट्रीज़ वो इकोनॉमिक मैटर पे हो सकता है वो पॉलिटिकल मैटर पे हो सकता है वो कल्चरल मैटर पे हो सकता है मे uh, बी वो ओलंपिक्स खेल रहे हूँ तो so यहाँ पर कंट्रीज़ इंट्रैक्ट करती रहती हैं अगर हम और पॉइंट्स की बात करें अबाउट नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो उसमें से एक है दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज़ इंटर इन नेचर जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये बहुत सारे और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको भी अपने आप में मिलाए हुए हैं जैसे कि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में ही स्टडी की जाती है और जो नेचर है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो है एनालिटिकल एंड साइंटिफिक अब बात करते हैं अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि अगर आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इसका आ, सब्जेक्ट मैटर है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं दैट अभी अगर इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो जो पब्लिक ओपिनियन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में और अब कंट्रीज़ uh, की फॉरेन पॉलिसी में वो सीक्रेसी नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि जो आम जनता है वो गवर्नमेंट की फ़ॉरन पॉलिसीज़ के बारे में जानती नहीं है नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट दैट और अभी जो एक मेन चेंज आया है वो ये है दैट नाउ द बैलेंस ऑफ पावर हैज़ बिन रिप्लेस बाय बैलेंस ऑफ टेरर जैसे पहले होता था कि अगर आपके आसपास कोई बहुत ही मजबूत कंट्री है तो आप कुछ दूसरी कंट्रीज़ के साथ अलायंस बना लेते थे जिससे कि आप उसको काउंटर कर सकें पर अभी अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लेते हैं तो वही काफ़ी है आपकी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए और आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सो so अभी जो बैलेंस ऑफ पावर पहले था नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस बाई बैलेंस ऑफ टेरर क्योंकि अब कंट्रीज़ के पास बहुत सारे मॉडर्न डे वेपन्स आ गए हैं अब कंट्रीज बचा ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ एम्यूनेशन सो फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरनेशनल रिलेशनस का नेचर समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Uh, so, till my next video, take care of yourself and your family. Stay healthy, live blessed. Thank you for watching.